हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मच्छर क्लास में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा एक इंजेक्शन के बारे में जिसका नाम है एक्यूकॉट 100। तो दोस्तों एक्यूकॉट 100 कहां पर यूज़ किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, कैसे यूज किया जाता है, सब जानकारी दूंगा। इससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल मेड स्टड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर और लाइक कीजिए। तो दोस्तों एक्यूकॉट जो होता है ये 100 मिलीग्राम का होता है और इसका जो कंटेंट है वो है हाइड्रोकॉर्टिसोन। काफ़ी सारे आपको डिफरेंट ब्रांड्स भी मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन कंटेंट जो मेन होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, यह आपको मिल जाता है तकरीबन 41 रुपीज़ में मार्केट में मिल जाता है। लेकिन याद रखिए, जैसे कि इंजेक्शन होता है ये तो आपको दवाई डॉक्टर की सलाह या पर्ची के बगैर नहीं लेना है, ऐसे ही आपको कोई भी दवाई हो मुँह से लेनी हो तो भी वो ना लें तो बेहतर रहेगा। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन जो होता है एक स्टीरॉयड होता है और इसके काफ़ी हेल्पफुल इमरजेंसी से लेकर इन्फेक्शन यानी कई बीमारियों में मदद करता है। अब देखते हैं इसका कैसा यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है मैं बताऊँगा। ये जो यूज़ किया जाता है जहाँ पर एलर्जीज होते हैं, सडनली जैसे कि मानो कि अगर एक बच्चा आता है एलर्जी हो जाती है, ओके एलर्जी हो जाती है, जहाँ पर एलर्जी होने की वजह से क्या हो जाता है, रिएक्शन होता है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है, तो वहाँ पर ये बहुत हेल्प करता है एज ए एमरजेंसी ड्रग, यानी काफ़ी इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट बाइट की वजह से एलर्जीज होती हो, ड्रग लेने की वजह से एलर्जी होती हो, या किसी खाना खाने की वजह से फूड एलर्जी हो सकती है, या कहीं भी चीज़ या पोलन ग्रेन की एलर्जी होती हो तो ये एमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। लेकिन याद रखिए सिंपल एलर्जीज के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, ये सीवियर टाइप की जहाँ पर होती है ना वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ओके उससे पहले तो एड्रेनालिन दिया जाता है लेकिन ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसको एक्चुअली देख सकते हो बाजू में जो आपके दिख रहा है, एक छोटी सी 5 ml वाली जो पानी की बॉटल है वो स्टराइल वाटर होता है, वो आपको इसमें मिक्स करनी होती है, किसमें आपके हाइड्रोकॉर्टिसोन में मिक्स करना होता है, वो पाउडर फॉर्म होता है, अभी जैसे आपने देखा मिक्स करके हिलाना होता है, अच्छे से हिलाकर अब आपको डोज के हिसाब से लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको देना है 50 मिलीग्राम, तो आप हो गए आप 100 मिलीग्राम इन 5 ml, यानी 2.5 ml लेनी होती है। समझो कि आपको देना होता है 20 मिलीग्राम, तो 1 ml हो जाता है 25 मिलीग्राम, यानी 1 ml से कम। ये सब जो होते हैं आपको अपने फिजिशियन से डिस्कस करके देनी होती है, क्योंकि हर एक आदमी को अलग अलग हो जाता है। अडल्ट के लिए पूरा दिया जाता है, ओके आईवी लाइन में दिया जाता है, नॉट आईएम में, आईवी लाइन में दिया जाता है, स्लो दिया जाता है, ओके अगर रिएक्शन फास्ट हो तो भी फास्ट दिया जाता है, कभी भी आईवी लाइन में स्लो जाना चाहिए, बहुत स्लो नहीं है, स्लो, ओके और 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट दिया जा सकता है। इसके एक्सलेंट रिजल्ट्स मिलते हैं एमरजेंसीज में, आपको जल्दी से रिएक्शन नहीं होता है तो सांस लेना अच्छा हो जाता है, रेस्पिरेशन अच्छा हो जाता है, तो एलर्जीज एनाफिलैक्सिस से बच सकते हैं, ये एक हो गया। सेकंड जो होता है इसकी वजह से आपको बुखार भी जो होती है वो आगे वो भी कम हो जाती है जो काफ़ी लंबी बुखार होती है, लेकिन खास बुखार के लिए नहीं यूज़ करना है। याद रखिए अगर इन्फेक्शन होता हो, अगर ये इंजेक्शन देते हो तो बढ़ भी सकता है इन्फेक्शन, इसीलिए देख कर इस्तेमाल करना होता है, ओके। तो और सेकंड जो होता है आस्थमा प्रॉब्लम जिसे होता है वहाँ पर भी दिया जाता है, वहाँ पर भी अच्छा ब्रीदिंग प्रॉब्लम अच्छा हील हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, ओके तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसके यूजेस है। ऐसे ही आपको यहाँ पे ब्रीदिंग से लेकर एनाफिलैक्सिस तक यूज़ किया जाता है, बच्चों से लेकर बड़ों में यूज़ किया जाता है, वेरी सेफ और बहुत अच्छे एक्सलेंट रिजल्ट्स देता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो कि काफ़ी पुराना मॉलिक्यूल है। 100 मिलीग्राम आता है, इंट्रामस्कुलर भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी दे सकते हैं, लेकिन इंट्रावीनस देना बेहतर रहेगा क्योंकि इंट्रामस्कुलर सिर्फ इमरजेंसीज में दिया जाता है, ओके इंट्रावीनस इज अ प्रिफर्ड साइट एक्चुअली, ओके। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को।